नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में संक्रमण के मामले 31,000 पार, मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हुई। क्या ममता बनर्जी सुनेंगी इन मजदूरों की बात? पीएम केयर्स फंड सरकारी कर्मचारियों पर मुगलिया जजिया कर जैसा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल सुबह 28 अप्रैल 8 बजे से लेकर आज 29 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1,897 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के 827 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों में 997 मामले और जुड़ गए हैं। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 31,332 हो गई है, जिसके तकरीबन 24.56% यानी 7,696 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण से अब तक 1,007 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अभी भी 72% यानी 22,629 सक्रिय मामले मौजूद हैं। ICMR द्वारा आज सुबह 29 अप्रैल 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 770,764 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 54,031 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले 6 राज्यों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 728 नए मामले, मध्य प्रदेश में 219, दिल्ली में 206, गुजरात में 196, तमिलनाडु से 121 और राजस्थान से 102 नए मामले सामने आए। साथ ही उत्तर प्रदेश से 98 मामले, आंध्र प्रदेश से 76 केस, वेस्ट बंगाल से 28 केस, बिहार और झारखंड से 21-21 केस, जम्मू और कश्मीर से 19 नए मामले, चंडीगढ़ से 16, हरियाणा से 14, कर्नाटक से 11, पंजाब से 9, केरल से 4, उत्तराखंड से 3 और असम और लद्दाख से 2-2 नए केस और छत्तीसगढ़ से 1 नया केस सामने आया है। देश में 11 राज्य ऐसे भी हैं जिसमें कोई नया मामला बीते दिन में नहीं आया, जिसमें तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, पुडुचेरी, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल। हजारों की संख्या में बंगाल से आए प्रवासी मजदूर दिल्ली के अनेक हिस्सों में फंसे हुए हैं। एक तरफ वे अपने राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके वापस जाने का ममता दीदी इंतजाम करें, वहीं दूसरी तरफ वे दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए ई कूपन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। न्यूज क्लिक ने इन लोगों से बात कर इनकी समस्या को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। हवाई जहाज चढ़ने वाला हार लेके आया कोरोना, लेकिन पैदल जाने वाला लोग मर रहा है। कोरोना से तो नहीं मरेगा, गरीब बंदर जो है सारे भूख में मर जाएगा। चल निकले थे तो हम सोचा क्या, सर पे सबकी बोझ होता है, एक हमारा बीवी भी है, बच्चा भी है, तो दो पैसा कमा के हम घर भेजेंगे सही सलामत, हम अपना फैमिली तो चलेगा ना। बात यह है जब आते सुनते दो दिन बाद तो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया है एक दिन के लिए। अब एक दिन का वजह एक महीना से ज़्यादा खारा हो गया। अब हमारा बस रेशन बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास राशन पानी जो भी था पहले का सारे ख़त्म हो गया। अब रास्ते पे जहाँ खाना बट रहा है वहीं लाइन देना पड़ रहा है। वहाँ कोरोना की कोई व्यक्ति अगर पहुँच गया जिसको कोरोना हो चुका है तो वहाँ तो फैल जाएगा सारे लोगों में। और ऐसे भी हम यहाँ किराएदार हैं, अगर किसी में खुदा ना खस्ता किसी में अगर हो गया कोरोना तो मकान मालिक सबको भगाएंगे। तब हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम बंगाल के रहने वाले, हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। तो ये सोचकर हमारे पैर की ज़मीन खिसक रहा है कि क्या करेंगे। तब ये जो ई कूपन वाला कहानी है, इसमें तो एंड्रॉयड मोबाइल से ही करना पड़ता है, नहीं तो और कहीं पे जाएंगे जहाँ पे लाइन लगा के हो रहा है वहाँ पे तो पुलिस भगा रहे हैं। और उसमें जो चीज़ दिया जा रहा है, किसी किसी को मिला तो उसमें 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ, जो खाने लायक नहीं है बिल्कुल। ये गेहूँ लेके किस चक्की में जाएंगे, जो कहाँ पिसवाएंगे?
वादा किया जा रहा है, जहाँ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसका असलियत जो ग्राउंड में जो हिसाब है, ये चीज़ है। जो सरकार ने बोला था राशन आएगा, ये कूपन हमारे पास है, लेकिन हमें राशन नहीं मिला। और मुझे अकेला मिला है 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, लेकिन गेहूँ हम क्या करेंगे? हमारे पास जो गैस है उस पर गैस भी नहीं है, आज अभी तक तो हम लोग खाना नहीं पकाए। हम लोग यहाँ ज़्यादा खतरा हम लोग के लिए, जिसका पास कुछ पैसा ना होता है, कुछ खाने पीने का नहीं होता है, तो उसके पास ज़्यादा बीमारी हो जाता है, सोच अलग हो जाता है। उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है तो आगे सोचता है, क्या मेरे पास 2 पैसा ही नहीं है तो मैं आगे करूँगा क्या। जिसके पास से काम लेके आता हूँ उसके पास से पैसा बहुत सारा फंसा हुआ है, और हमारे पास भी लेबर 5-6 काम करता था, हम उसको भी पैसा नहीं दे पा रहा, और वो लोग फ़ोन भी ना उठा रहा, बहुत सारे पैसा फंसा पड़ा हुआ है और फ़ोन ना उठा रहा। हमें ये 2 हफ्ता पहले भी हमें ऐसा मतलब तसल्ली देने के लिए कहा है, इलियास तुम अपना अकाउंट नंबर बता दो, कोई भी अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसा भेज रहा हूँ। मैंने अकाउंट नंबर ये भाई साहब का दिया था, और कहीं हमने इतना सिर्फ कहा था कि 30,000 भेज दीजिए, बहुत परेशान हैं वो। बोला ठीक है भेजता हूँ, भेजा ही नहीं, और उसके बाद से फ़ोन में ना उठा रहा। बाकी जो है सामान तो मिल रहा, लेकिन पैसा था होंगे तो सामान ले पाएंगे ना, दुकान तो खुल रहा है, लेकिन दुकान खुलने से क्या होगा, हमारे पास पैसा होगा तो तब हम खरीद पाएंगे ना। तो हम दीदी को यही बोलना चाहते हैं कि दीदी तुम अपने भाई के बारे में कुछ सोचो, हम लोगों को अपना घर लेके जाओ, क्योंकि हम यहाँ पड़े पड़े तो मर जाएंगे। हर मंत्री कह रहे हैं हमारे जितने लेबर फंसी है सब लेबर हमें अपने अर्जी में बुला लेते हैं, जैसे योगी है, योगी बुला लिया, बिहार के रितीश कुमार है वो भी बुलाया, तो ममता बनर्जी ने हमें बुलाता नहीं है। अरे ममता का दीदी का कान में जाना भी चाहिए। जो लोग जीता था, हम लोग बाहर से जाते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन का टाइम जो होता है हम लोग को टिकट दे के पैसे दे के यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो मुसीबत है, इस टाइम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना सुन रहा है, लेकिन वो अपने ही काम में बिजी है। ठीक है, हम लोग 2021 में ही बता देंगे किसको जिताना है। जो भाई भी क्या चीज़ होता है, तुम्हें दीदी कहते हैं, हम भुगाते हैं, दीदी कहते हैं, तो दीदी भाई के नहीं हो सकता, भाई दीदी के कैसे हो सकता है। दम घुट रहा, जैसे कैद में बंद है, तो हम अगर पैसा ही नहीं भेज पा रहे हैं तो घर कैसे चलेगा। अभी 1 महीना से काम बंद है, अभी लॉकडाउन आगे कितना बारेगा या खोला जाएगा या हम लोग को घर भेजेगा कि नहीं, अभी तक हमें उम्मीद नहीं लग रहा। और ऐसे भी यहाँ जो है 70-80% मुस्लिम है, रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें भी हमारे पास पैसा नहीं है, फल फ्रूट कहाँ से लाएंगे, हमारे हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं है। हम घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, अभी घर में जो खेती वगैरह कुछ करके जी सकते हैं, इसीलिए हम चाहते कि हमें जल्द से जल्द हमें घर भेजा जाए, हम घर जाना चाहते हैं। कह रहे हैं जहाँ भी है वहीं रहो, जो बाथरूम में है वहीं रहो, निकालो मत, जहाँ भी है वहीं रह जाओ, खाओ पियो, पानी पियो, कुछ भी करो, मरो वहीं रहो, निकालो मत। लेकिन अमीर लोगों को बुलाया जाता है, अपने पैसे दे के प्लेन भेजवा के लाया जाता है, यार हम लोगों को इस राज्य से उस राज्य जाने नहीं दे रहा है, कह रहा वहीं रहो। गरीब जितना भी है सबको बंद करके रख दिया कमरे में, वो भूख प्यास से मर रहा है। जल्द से जल्द हमें गांव भेजा जाए, हमें गांव जाने के लिए बहुत दिल तरस रहा है, 1 महीना हो गया बैठे बैठे ऐसा तो और बीमारी पड़ जाएगा हमें। रक्षा मंत्रालय से वित्तीय सलाहकार के पद से सेवानिवृत्त हुए सुधांशु मोहंती ने न्यूज क्लिक के साथ विशेष चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी पीएम केयर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों का इसमें योगदान अपनी मर्जी से नहीं है, वो ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, जिससे ये बहुत हद तक मुगलिया शासन के में गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जजिया कर जैसा है। उनका यह भी मानना है कि इस फंड का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को मसीहा के रूप में प्रसिद्ध करना है, और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आइए सुनते हैं उन्हें। मेरा पहला सवाल है कि क्यों जरूरत था ऐसा, एक पीएम केयर्स एक अलग ऐसा फंड का कोई जरूरत था? हमारे पास एक है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अलग अलग राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी ऐसे रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, तो एक और फंड का क्या जरूरत, यही मेरा पहला सवाल आपसे। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड हुआ, आप जैसा बोले डिफरेंट स्टेट्स में जो रिलीफ फंड्स है अपना चीफ मिनिस्टर्स का, मेरा ख्याल से ये जो फंड से ये बिल्कुल सफिशियंट है, कोई भी हमारा कैलामिटी हुआ, ट्रेजेडी हुआ, प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स हुआ उसको इस्तेमाल करने के लिए।
हम बचपन से, अब जब नौकरी भी नहीं किए थे उस समय भी हमें पता था, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड। एंड उसी मुताबिक हर स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, अगर किसी को अगर पूछे आप, वो कहेंगे अगर किसी को डोनेशन देना है तो चलो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को दे दें, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दें। मेरा मतलब से जो चीज में लिखा हूँ जो आर्टिकल में, वायर का आर्टिकल में, इसका कोई बिल्कुल जरूरत नहीं था, तो बिल्कुल जरूरत नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो भी चीज वो जो प्रधानमंत्री शॉर्ट में कहते हैं पीएम केयर्स फंड अभी बनाए, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे और कर सकेंगे भी। अच्छा, तो मोहंती जी, सुधांशु जी, ऐसा है कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड सिर्फ ये नहीं, और जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड सिर्फ ये नहीं, हमारे देश में जो आपदा प्रबंधन जो कानून है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 का जो कानून है, इसके अंदर भी एक और फंड है, इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और इसमें भी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी है। जैसे कोई, जैसे हमें प्राकृतिक कोई आपदा, कोई बाढ़ हुआ या भूकंप हुआ या कुछ भी, कोई मेजर, कोई बड़ा कोई दुर्घटना हुई, मेजर एक्सीडेंट, उसी में भी आम आदमी दंगा, इसमें दंगा भी है, दंगा होने के भी कारण भी जो राहत के लिए, जो रिलीफ के लिए, आप आम आदमी ये फंड में भी पैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं। Is the one which could complement the respective funds in the states or the Prime Minister's Relief Fund. If someone were to draw a thin line of demarcation or difference between the two funds, although main kahunga ki jo Prime Minister ka jo National Relief Fund hai, उसी मुताबिक चीफ मिनिस्टर्स का भी जो रिलीफ फंड है वो भी फ्लेक्सिबल है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर COVID-19 का बारे बात करते हैं, ये COVID-19, आप यू फॉरगेट अबाउट द स्पैनिश फ्लू ऑफ 1918, इट इज अबाउट स्ट्राइकिंग अस हियर इन 2019 or 2020. This is flexible enough to incorporate कोई भी disaster हुआ, ये आप इसको natural disaster माने, ये man-made disaster माने, कोई भी disaster माने, इसको तो आप बिल्कुल इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसीलिए मुझे ताजुब लगा ये प्रधानमंत्री पीएम केयर्स का फंड का क्या जरूरत है। हमारे मित्र है जो आपका शहर में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, रामचंद्र गुहा, वो ऐतिहासिक है, ही इज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। उन्होंने और भी जिस तरह से शब्द यूज किया वो कि ये पीएम केयर्स एक तरह से एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप कर रहे हैं, एक सेल्फ एग्रेडाइजिंग, कि लोगों को समझे सिर्फ प्रधानमंत्री, ओनली द पीएम केयर्स। तो इसका जो एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, ये इट डेवलप्स, इट इज एम्ड एट बिल्डिंग अ पर्सनालिटी कल्ट। तो आप क्या सहमत है रामचंद्र गुहा के साथ? एब्सोल्युटली, विदाउट एनी हेजिटेशन आई एग्री विद मिस्टर रामचंद्र गुहा। लेकिन पतंजलि जी, अगर आप मुझे एक दो मिनट देंगे, मैं आपको बताऊंगा दैट मेजर मिनिस्ट्री में था जब वित्तीय सलाहकार था, उस समय हमारे मंत्री थे मनोहर पारिकर जी। एक दिन ये होगा लगभग 2015-16 का बात है, मुझे बताए हमारा विदोष काफी होते हैं और बहुत विदोष होते हैं और प्रॉब्लम्स उनका बहुत रहता है, आप तो जानते हैं कि सब फैमिली से दूर रहते हैं ऑफिस एरिया में, आप उनके लिए एक रिलीफ फंड एक शुरू करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली विधवा के लिए
आप एक शुरू करेंगे वो मुझे बताए, आप उसका आउटलाइन एक कंसेप्ट पेपर बनाइए, लेकिन उस पर आप एक कंडीशन है दैट वहाँ हमारे जो रक्षा मंत्री का नाम तक नहीं रहेगा, मेरा नाम तो भूलिए, प्रधान रक्षा मंत्री का नाम भी नहीं रहना चाहिए। ये नेशनल विडोज रिलीफ फंड अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको आप कहिए, और किसी भी दूसरा नाम देना भी चाहते हैं आप भी दे सकते हैं। तो उसका बैकग्राउंड में आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एब्सोल्युटली स्टैगर्ड बाय द फैक्ट दैट ए फंड व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन द आर्टिकल दैट एवरीथिंग नाउ कोलैप्सेस टू अ पर्टिकुलर एक्रोनिम व्हिच कैन बी प्रोनाउंस्ड एंड व्हिच आल्सो कनोट्स एंड कन्वेज। आप जैसा बताए वो केयर है, कंसर्न है, मैं इस्तेमाल किया हूँ वर्ड्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम केयर एंड कंसर्न पाइटी पे इस्तेमाल किया हूँ। ये तो हम जब डोनेशन किसी को देते हैं, ये डोनेशन ये दिल की बात है, कौन से फंड को आप डोनेशन दें। न्यूज़क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।